तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। यार नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, पैराबोला। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको ऑलरेडी सिखाया था, तो उसमें बताया था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का ग्राफ पैराबोलिक नेचर का होता है। पैराबोला की शुरुआत हो रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स हमने कंप्लीट कर लिया है। पैराबोला एक सेंसिटिव सा चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के लिए बात करें तो, है ना। पैराबोला की नॉलेज अगर आपकी अच्छी है तो पूरा कॉनिक सेक्शन अच्छा हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पैराबोला, ठीक है। आप बताइए क्या होता है पैराबोला, है ना। सोच के देखिए क्या होता है पैराबोला, है ना। सुना है क्या कभी पैराबोला आपने, है ना, कई जगह देखा होगा, है ना। प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोला होता है ना, जब एक प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री आती है, ऐसा सिखाया गया होगा काइनेमेटिक्स में आपको कि वो पैराबोलिक नेचर की होती है, है ना। जब एक क्रिकेटर बॉल को जब हिट करता है ऐसे करके, है ना, धोनी जब हेलीकॉप्टर शॉट लगाता है तो जो बॉल जाती है वो पैराबोलिक पाथ में जाती है ना। कैसे जाती है बॉल? ऐसे जाती है, यूं करके बॉल गई यूं करके और ये गई बाउंड्री से बाहर। तो ये जो इस प्रकार की जो शेप होती है यार, वो पैराबोलिक नेचर की होती है, ठीक है। आज हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल में एकदम खोल के पूरी गुत्थी सुलझाने वाले हैं पैराबोला की, बनता कैसे है पैराबोला, है ना, डेफिनेशन क्या होती है पैराबोला की, पैराबोला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, प्रॉपर्टीज क्या है पैराबोला की, इक्वेशन क्या होगी पैराबोला की, सारी बातों का एक एक करके जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। किसी ने मुझसे कहा, है ना, एक छोटे बच्चे ने, कि पैराबोला क्या होता है अब उसको मैं क्या बताता। तो मैंने उसको एक दिन कहा कि अ स्माइल एंड अ सैड फेस इज अ पैराबोला। हम पढ़ी यार, सिंपल सी बात है ना, किसी छोटे बच्चे को बताना हो तो आप बोल सकते हैं कि अ स्माइल एंड अ सैड फेस इज अ पैराबोला। दिस इज अ स्माइल, दिस इज अ सैड, है ना, सैड फेस। आपको नहीं लगता स्माइल ऐसी पैराबोलिक होती है? ठीक है, जब आप हंसते हो ना तो दैट इज अ पैराबोलिक लाफ्टर, ठीक है। तो आपकी हंसी जो है ना पैराबोलिक है, बता दूं आपको मैं, है ना। और जब आप बहुत गंदा सा मुंह बना लेते हो ना तो यार ये सैड फेस हो गया, ठीक है, तो ये भी पैराबोलिक है, ठीक है ना। जैसे आप हंसते हैं वहीं करके तो ये पैराबोला बनता है यहाँ पे, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए डेफिनेशन है, ठीक है। हाँ तो यार बात करते हैं एकदम मुद्दे की। तो मैंने आपको बताया था जब कॉनिक सेक्शंस, मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था स्ट्रेट लाइंस पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब मैंने शुरुआत की थी कि यार कॉनिक सेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। जब एक कोन को एक प्लेन जब इंटरसेक्ट करता है तो उसका जो क्रॉस सेक्शन बनता है ना उसको बोलते हैं कॉनिक सेक्शंस, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं? कॉनिक सेक्शंस बोलते हैं उनको, ठीक है ना। क्या 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 होता है कॉनिक सेक्शन? ये राइट सर्कुलर कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन से जनरेट होने वाला क्रॉस सेक्शन होता है। और कॉनिक सेक्शंस में पैराबोला कब बनता है, जल्दी से एक बार इस बात को अपन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। एक जब प्लेन है ना, एक जब प्लेन कोन की साइड के एलोंग, है ना, स्लांट हाइट बोलते हैं ना, साइड भी बोल सकते हैं उसको। एक प्लेन जब इंटरसेक्ट करेगा इसको, जब एक प्लेन आएगा और यूं कोन की ये जो स्लांट हाइट है ना इसके पैरेलल में आकर के अगर एक प्लेन जो है ना इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जनरेट होगा, है ना, यूं करके अगर आप थोड़ा महसूस कर पा रहे हो तो यहाँ पे है ना एक क्रॉस सेक्शन जनरेट होगा, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। 3D फिगर है भाई, ठीक है, 3D फिगर है, तो 2D में तो थोड़ा एक आइडिया ही लगा सकते हैं आप, है ना। यूं करके देखिए, है ना, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आपको देखिए नजर आएगा, है ना। तो ये जो क्रॉस सेक्शन बना है, ये बना है यार पैराबोला। क्या बना है? ये जो क्रॉस सेक्शन की शेप देखिए आप, इस शेप का होता है पैराबोला। कैसा क्रॉस सेक्शन बनता है? ऐसा क्रॉस सेक्शन बनता है ना, ये तो आप 3D में देख रहे हो ना, यहाँ पे 3D में देखने का प्रयास कर रहे हो, तो ऐसी कोई शेप बनती है, इस शेप को क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। ये तो यार मैंने मैकेनिकल अंदाज में बताया, ठीक है ना। कैसे अंदाज में बताया? एकदम भन्नाट मैकेनिकल अंदाज में बताया कि पैराबोला क्या होता है, कोन और प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है वो पैराबोला होता है, ठीक है ना। ये एक मैकेनिकल अंदाज है बताने का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में, ज्योमेट्री के स्टाइल में पैराबोला की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। यहां से आप समझिए, यहां से पैराबोला की शुरुआत हो रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला की शुरुआत हो रही है। आप बिल्कुल ध्यान से एकदम एकदम फोकस करके देखिएगा, ठीक है ना, पैराबोला क्या होता है।
है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्टाइल में, ठीक है, पैराबोला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टाइल। पैराबोला देख रहे हैं अपन, पैराबोला इन ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनफैक्ट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टाइल, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टाइल, ठीक है ना, स्टाइल तो समझते हो ना तुम लोग, है ना, स्टाइल, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्टाइल में पैराबोला कैसे डिफाइन करेंगे, आपको बता दूं, चाहे पैराबोला बनाना हो, चाहे इलिप्स बनाना हो, या फिर हाइपरबोला बनाना हो, सुनना मेरी बात को, पैराबोला बना लीजिए, इलिप्स बना लीजिए, या हाइपरबोला बना लीजिए, तीनों को ही बनाने के लिए आपको एक लाइन और एक पॉइंट की जरूरत होती है मेरे दोस्तों। एक लाइन, एक फिक्स्ड लाइन की जरूरत होती है, ये ले लेते हैं मान लो फिक्स्ड पॉइंट लाइन है, और एक फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत होती है, ठीक है। ये जो फिक्स्ड लाइन है जिससे हम पैराबोला बनाते हैं, ध्यान से सुनना, ये जो फिक्स्ड लाइन जिसका नाम हमने एल एल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इस लाइन का नाम, इस लाइन का नाम एल मान लेते हैं, ठीक है। ये जो फिक्स्ड लाइन है ना एल एल, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, है ना, फिक्स्ड लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, फिक्स्ड पॉइंट, इसको एफ का नाम दे देते हैं, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट को हमने बोल दिया एफ, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, इसको हमने एफ का नाम दे दिया, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, इसको हमने एफ का नाम दे दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो यार एक पैराबोला अगर बनाना है, एक पैराबोला बनाना है तो उसके लिए एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत होती है। एक बात का ध्यान रहे दोस्तों, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये फिक्स्ड लाइन पे नहीं होना चाहिए, पैराबोला नहीं बनेगा उस केस में। ये जो पॉइंट है ये लाइन से अलग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक लाइन है, तो आप पैराबोला बना सकते हो, इलिप्स बना सकते हो, हाइपरबोला बना सकते हो, बनाने का अंदाज अलग अलग होगा, मगर रॉ मटेरियल वही होगा, है ना। पैराबोला बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन होता है, इलिप्स बनाने का रॉ मटेरियल भी एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन होता है, और हाइपरबोला भी एक पॉइंट और लाइन के इस्तेमाल से बनता है दोस्तों, ठीक है। तो यार अब बात करते हैं पैराबोला कैसे बनता है, है ना, पॉइंट लगा लिया, लाइन लगा ली, मैं कह रहा हूं कि पॉइंट और लाइन से पैराबोला बन जाएगा, बताओ कैसे बनेगा। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ऐसा पॉइंट या पॉइंट्स बताइए, ऐसा पॉइंट पी मुझे बताइए जिसका डिस्टेंस एफ से भी और एल से भी इक्वल हो। मैं एक ऐसे पॉइंट पी के बारे में जानना चाहता हूं कि पॉइंट पी का एफ से और पॉइंट पी का एल से डिस्टेंस बराबर हो, पॉइंट पी का एफ से और पॉइंट पी का एल से डिस्टेंस बराबर हो। तो यार यहां पे नोटिस करने वाली बात है कि बिल्कुल बीच में एक ऐसा पॉइंट पी मिलेगा आपको जिसका एफ से डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना एल से डिस्टेंस है। ये बात तो समझ में आ गई। मैं ऐसे पॉइंट्स की तलाश में हूं, मैं ऐसे पॉइंट्स की तलाश में हूं जिनका एफ से और एल से डिस्टेंस बराबर हो। याद दिला दूं आपको कि एक पॉइंट का जब लाइन से डिस्टेंस निकाला जाता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है। तो यार पॉइंट का एफ से डिस्टेंस और एल से डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो एक तो यहां मिल जाएगा, इसके साथ साथ यहां मिल जाएगा ऐसे, यहां अब यहां पर मिलेंगे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, यहां भी मिलेगा एक, है ना, मतलब यहां भी मिलेगा इस प्रकार से, ये थोड़ा फालतू हो गया तो ये थोड़ा फालतू हो गया, है ना, मतलब दूर जाते जाएंगे, है ना, यहां पे भी मिलेगा पॉइंट एक, है ना, एक पॉइंट यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा,
एक पॉइंट यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट को एफ से भी दूर लेके जा रहा हूं और एल से भी दूर लेके जा रहा हूं, मगर एक बात का ध्यान रख रहा हूं कि यहां वाला डिस्टेंस और यहां वाला डिस्टेंस देखिए सेम है। यह बात समझनी है, एफ से डिस्टेंस और एल से डिस्टेंस बराबर मेंटेन कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को पहले तो बीच में रखा, दोनों से डिस्टेंस बराबर था, अब मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं। आप अब ये महसूस कर सकते हैं कि इसका एफ से और एल से डिस्टेंस बराबर रहेगा। अब मैं यहां ले गया इसको, मान लो यहां ले गया, तो एफ से डिस्टेंस और एल से डिस्टेंस है ना, एल को ऊपर ले जाओ है ना, एल से डिस्टेंस मैंने बराबर रखा, ये डिस्टेंस देखिए दोनों बराबर है। तो ऐसा पॉइंट पी कहां कहां जा सकता है, कहां कहां हो सकता है कि पॉइंट पी का एफ और एल से डिस्टेंस बराबर रहे। तो यार मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट पी जो है ना, पॉइंट पी देखिए यहां इस कर्व के ऊपर कहीं भी हो जाए। अब यार यहां पे कहीं हो जाए तो सिमेट्री से बोल सकते हैं, नीचे भी चाहे कहीं पे भी हो जाए, ठीक है। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं, ये वो शेप बनेगी, इस बात को आप महसूस कर गए होंगे, ये वो शेप बनेगी। इस शेप पे कहीं पे भी पॉइंट पी ले लीजिए आप, इस पॉइंट पी की जो एफ से डिस्टेंस है और एल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये इक्वल मिलेगी, ठीक है ना। आप यहां पे लेंगे पॉइंट पी, तो मैं आपको बता दूं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देख लीजिए, आपको फील भी आ रहा होगा है ना, डिस्टेंस बराबर मिलेंगे, ठीक है ना। ये एक ऐसा शेप होता है, पैराबोला एक ऐसा शेप होता है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, पी एफ और पी एल, ये हमेशा क्या मिलेंगे आपको, इक्वल मिलेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और पी एफ और पी एल को इक्वल रखते हुए पॉइंट पी ढूंढने का प्रयास करोगे तो यहां पॉइंट पी मिलेंगे, यहां पॉइंट पी मिलेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो पैराबोला एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस है, पैराबोला की डेफिनेशन लिखते हैं क्या अभी, पैराबोला एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कुछ यू मूव करता है, जो कुछ यू मूव करता है कि पी एफ इक्वल टू पी एल रहे, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख देते हैं पैराबोला की, आई होप आप समझ गए होंगे। यार पैराबोला की अगर फील आ गई हो तो कमेंट करके यही बता दे मेरे को, अभी चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। आपको बता दूं कि डेफिनेशन क्या हुई, पैराबोला जो है, पैराबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, है ना, वेरिएबल पॉइंट है ना पी, है ना, पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, ये पॉइंट पी एक्स कोमा वाई का लोकस है ना, विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इट्स सेम एज दैट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, ठीक है। आपको बता दूं कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं यार फोकस। और ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलते हैं, फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे एक चीज समझने वाली बात है कि अगर ये फिक्स्ड पॉइंट फोकस जो है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये जो फोकस है, ये लाइन पे नहीं होना चाहिए, यहां पे बना दिया तो फिर तो यार पैराबोला बना ही नहीं सकते आप, ठीक है, है ना। दिस फिक्स्ड पॉइंट शुड नॉट लाई ऑन द फिक्स्ड लाइन, ठीक है ना, करेक्ट है ना। फोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो पैराबोला कैसे बनता है यार, बात समझ में आ गई ना। एक और चीज यहां पे नोट करने वाली है, पीएफ और पीएल बराबर होते हैं, ठीक है, पैराबोला में पीएफ और पीएल बराबर होते हैं, राइट, है ना।
पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट पी होगा उसका फोकस से डिस्टेंस उतना ही होगा जितना लाइन एल से डिस्टेंस होगा, करेक्ट है। पीएफ और पीएल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पीएफ पीएफ इक्वल टू पीएल, इस बात को यूं भी बोल सकते हैं कि पीएफ बाय पीएल, पीएफ बाय पीएल क्या होता है, वन। पैराबोला का जो पीएफ बाय पीएल है वो क्या होता है, वन होता है। दोस्तों ध्यान से सुनना, पैराबोला का पीएफ बाय पीएल क्या होता है, वन होता है। और ये जो पीएफ बाय पीएल रेशो है, ये जो पीएफ बाय पीएल रेशो है ना, यहां पे लिख दूं वापस से, पीएफ बाय पीएल इक्वल टू वन, ये जो पीएफ बाय पीएल रेशो है इसको इसेंट्रिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। बता दूं आपको, ये जो रेशो है पीएफ बाय पीएल इसको बोलते हैं यार इसेंट्रिसिटी, ठीक है। दिस पीएफ बाय पीएल इज नोन एज इसेंट्रिसिटी, ठीक है। पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो वन होती है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, बता दूं आपको, स्मॉल ई से इसको डिनोट करते हैं इसेंट्रिसिटी को। ई का मतलब होता है पीएफ बाय पीएल, और पैराबोला का पीएफ बाय पीएल वन होता है, तो पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो वन हो जाएगी, करेक्ट है। इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज वन, ठीक है, ये बात भी नोट कर ली यहां पर, ठीक है। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला इज वन, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला इज वन, ठीक है, करेक्ट है एकदम। तो पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या होती है, वन होती है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी बोले तो पी एफ बाई पी एल। तो आई होप यार एक पैराबोला का आइडिया लग गया होगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला, क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला। अब तुम बोलोगे स्टैंडर्ड पैराबोला कैसा होता है, यार एक बड़ा खास लोकेशन पे होता है स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है ना। कौन सी खास लोकेशन पे, आइए समझते हैं। अब देखते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला क्या चीज है। अगर स्टैंडर्ड पैराबोला समझ में आ गया और स्टैंडर्ड पैराबोला से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई ना, तो समझ जाना पैराबोला आपके चंगुल में आना शुरू हो गया है और चंगुल में आ भी जाएगा, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड पैराबोला समझते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला ऐसे पैराबोला को बोलते हैं, यहां पे मैंने बना दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है, भन्नाट तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया मैंने बना दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और मैंने एक पॉइंट ले लिया, फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, फोकस ले लिया यहां पर। आपको बता दूं अगर आप ए कोमा जीरो पे ले लो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ले लो यहां पे, फिक्स लाइन ले लो यहां पे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। डायरेक्ट्रिक्स ले ली एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो बोले तो एक्स इक्वल टू माइनस ए है ना। किस बिंदु से पास करती है डायरेक्ट्रिक्स, माइनस ए कोमा जीरो पॉइंट से पास करती है। फोकस ए कोमा जीरो हो, फोकस ए कोमा जीरो हो और डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो हो, ऐसे पैराबोला को स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है, अ पैराबोला हुज फोकस इज एट ए कोमा जीरो, फोकस ए कोमा जीरो पे हो एंड डायरेक्ट्रिक्स जो है ना, डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो है ना। ऐसा पैराबोला जिसका फोकस दोस्तों ए कोमा जीरो पे है, डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो है, इस पैराबोला को हम स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं, करेक्ट बात है ना एकदम। ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला हो जाएगा। यहां पे ए पॉजिटिव लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, ए जो है ए पॉजिटिव होना चाहिए भैया जी, ठीक है ना। भैया जी को समझते हो ना कौन है, मिर्जापुर वाले भैया जी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ए कोमा जीरो, ठीक है, ए पॉजिटिव होगा तो इस तरफ मिलेगा फोकस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। मुझे बताइए फोकस ए कोमा जीरो पे है, डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो पे है, पैराबोला कैसा बनेगा यार, बताओ कैसा पैराबोला बनेगा। मुझे बताइए कि ऐसा पॉइंट कौन सा है, कौन से हैं जिनका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर हो। एक पॉइंट तो मैंने ढूंढ दिया, ओरिजिन होगा, ओरिजिन का फोकस से डिस्टेंस भी ए है, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, बार डिस्टेंस की कर रहा हूं वो भी ए है, तो एक तो यहां मिल गया और बाकी पॉइंट आपको मालूम ही है कुछ इस शेप के ऊपर मिल जाएंगे, तो ऐसा पैराबोला बनेगा। दोस्तों
हॉरिजॉन्टल पैराबोला जिसकी सिमेट्री वाली एक्सिस एक्स एक्सिस हो और जिसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे हो, ऐसे पैराबोला को स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं। देख लीजिए आपके सामने है ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड पैराबोला बोलेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। हमारा यहाँ पे जो डिस्कशन है वो ये है, एक तो स्टैंडर्ड पैराबोला होता क्या है, और जो दूसरा डिस्कशन यहाँ पे है वो ये है कि यार ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, मुझको इसकी इक्वेशन निकालनी है, मेरा इंटरेस्ट है। मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली, मैंने सर्कल की इक्वेशन निकाल ली, अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये है मुझको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। मुझको किसकी इक्वेशन निकालनी है, मुझको यार पैराबोला की इक्वेशन भी निकालनी है। ठीक है, तो पैराबोला पे लाई करने वाला, पैराबोला पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट पी ले लो आप, एक्स कोमा वाई, पैराबोला पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट पी एक्स कोमा वाई ले लो। देखो इक्वेशन किसी कर्व की कैसे लिखते हैं, भाई लोकस निकाल दो इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, तो P मान लिया मैंने x, y, जनरल पॉइंट जो इस कर्व के ऊपर है। ठीक है, अब PF और PL क्या है, इक्वल है। PF और PL क्या है, इक्वल है। तो यार देखो PF और PL तो इक्वल होंगे, यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, PF इज इक्वल टू PL। तो यार PF कितना है, x, y का a, कोमा जीरो से डिस्टेंस कितना है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर का अंडर रूट, करेक्ट है ना जी। ये हो गया हमारा PF। ठीक है भाई, इक्वल के निशान को थोड़ा बाहर लिखो, एकदम मजा तो यहाँ पे आएगा लिखने में, है ना। PF x, y का a, कोमा जीरो से डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, अब PL कितना है, ये वाले डिस्टेंस कितना है, देखो ये डिस्टेंस तो a है और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस x है, तो x प्लस a टोटल हो गया x प्लस a। ठीक है जी, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा मॉडुलस के साथ x प्लस a, करेक्ट है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दिख रहा है ना यार, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पिंक कलर में लिखेंगे, एकदम पिंक पैराबोला निकलेगा पिंकी स्टाइल में। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट है। राइट में ये जो मॉडुलस है इसको जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर दोनों तरफ कट चुका है, तो लेफ्ट साइड में आप देखिए वाई स्क्वायर हमारे पास है, और राइट साइड में देखेंगे तो माइनस टू ए एक्स, इसके साथ जोड़ दें तो प्लस टू ए एक्स प्लस टू एक्स हो जाएगा 4ax। अरे गजब हो गया यार, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस इक्वेशन को हम ढूंढ रहे थे कई दिनों से कैसे निकलेगी, है ना तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमारा है स्टैंडर्ड पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दोस्तों इसकी पहचान कर लीजिए, यहाँ दो कानों के बीच जो ये भेजा है इसके अंदर इसको समा लीजिए। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन ऐसी होती है भाई, इसमें एक y स्क्वायर की टर्म होती है, ठीक है, फिर 4 इंटू ए, ए क्या होता है फोकस का ये x कोऑर्डिनेट, ठीक है, 4 ए और फिर x आता है, है। इस पैराबोला को देख के हम a पे फोकस करके, है ना फोकस बोले तो कॉन्सेंट्रेशन ये वाला फोकस नहीं कह रहा हूँ मैं, ये जो a है इस पैराबोला को देख के, इसका ये a समझ के हम बता सकते हैं कि इस पैराबोला का जो फोकस होगा वो यार a कोमा जीरो होगा। इस पैराबोला का दोस्तों जो फोकस होगा वो a कोमा जीरो होगा, और इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स आप बता सकते हो एकदम भन्नाट तरीके से, इस पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो होगी x प्लस a इक्वल टू जीरो, है ना, x में प्लस a इक्वल टू जीरो कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ये पैराबोला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखिए तस्वीर आपके सामने है, तुम्हारी भी मेरी भी और पैराबोला की भी,
तस्वीर आपके सामने, पूरी कहानी, स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते किसको है, मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप माइन्यूटली बातों को समझाया है। अब बातें सारी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। मैंने सबसे पहले कहा स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है, ठीक है, फिर उसकी इक्वेशन बता दी मैंने, करेक्ट है। तो अगर मैं आपको कहूं कि एक पैराबोला लीजिए, कंसीडर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x, और आपको कहूं इसका फोकस बताएं, फाइंड इट्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, इसका फोकस बताएं। बेसिक सवाल है भाई, है ना, आपने जो सीखा है। पैराबोला से लोगों को थोड़ा डर लगता है, लेकिन हमारा काम ही यही है डर भगाना, ठीक है ना, डर भगाना इज माय प्रोफेशन, ठीक है। मैथ से डर भगाने का काम करता हूँ मैं है ना, मैथ पढ़ाने का भी करता हूँ, ठीक है। तो यार पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ठीक है, इसका फोकस बताना है और डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x जो है ना, इसको यार स्टैंडर्ड लुक में लिखते हैं। स्टैंडर्ड लुक बोले तो ऐसी लुक जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसी लगे दिखते ही, है ना। तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x जो है ना, इसमें जो 2 है इसको लिख दिया मैंने 4 × 1/2 × x लिख दिया ऐसे करके। भाई ये तुम्हारा लिख सकता है 2 को 4 × 1/2, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पे, कंपेयर कर ले भाई बात को, कंपेयर कर ले, y स्क्वायर यहां पे है, y स्क्वायर जो है यहां पे है, वाई स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। देखिए दोनों वाई स्क्वायर आप देख सकते हैं, ठीक है, 4 यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो a की वैल्यू निकल के आ गई 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई, तो फोकस आ गया a कोमा 0, 1/2, 0 पे फोकस है। डायरेक्ट्रिक्स निकल के आ गई x + a = 0, है ना, x + a = 0। तो यार फोकस डायरेक्ट्रिक्स अपने से पूछे थे, खटाक से निकाल दिए, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है जी। फोकस डायरेक्ट्रिक्स निकाल दिए पैराबोला को देखते ही, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को आप समझ चुके हैं। आपको देखिए और प्यारी बातें बताता हूं मैं, चार प्यारी बातें अगर आपने सीख ली ना, तो पैराबोला की अंडरस्टैंडिंग आपकी और डेवलप हो जाएगी, ठीक है। यहां पर बता दूं आपको चार प्यारी बातें, पैराबोला की चार प्यारी बातें आपने अगर देख ली, सीख ली, तो गारंटी से मैं बोल रहा हूं आपकी पैराबोला की अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी। बातों को ध्यान से देखें, चार डायग्राम बना देता हूं भाई। हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो सपने में भी आती है मेरे को, इतनी x एक्सिस y एक्सिस बना ली ना मैंने, पूछो मत, मजा आता। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस सपने में खड़ी हो जाती है ऐसे करके, है ना, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, सपने में आगे बोलती है खड़े हो जाओ, यूज करो हमारा कर्फ, बनाओ हमारे ऊपर, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस क्या बन गया, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, बनाते रहो x एक्सिस y एक्सिस, जब तक है जहाँ तब तक बनाता रहूँगा x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। चार प्यारी बातें देखिए, मैं चार पैराबोला बना रहा हूँ। एक पैराबोला ऐसा, ध्यान से सुनना, दूसरा पैराबोला आपकी बार मैंने यूं कर दिया, अरे 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 गजब कर दिया भाई, ठीक है। और थर्ड पैराबोला देखिए कुछ यूं, है ना, और फोर्थ पैराबोला कुछ यूं, देखिए चार पैराबोला बना दी मैंने, है ना। यहां पे ये वाला जो पैराबोला है, इसका फोकस यहां पे है और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है बच्चे वो यहां पे है, है ना। इस पैराबोला का देखो, सीधी बात है भाई, इसके अंदर मिलेगा फोकस तो इसकी, है ना, इसके इलाके में, ठीक है, और ये हो गई इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, फोकस यहां, डायरेक्ट्रिक्स यहां पे, ठीक है। इस पैराबोला का फोकस देखें तो इसका फोकस यहां पे, डायरेक्ट्रिक्स यहां मिलेगी, फील आ रही है कि नहीं, थोड़ी बहुत फील आना जरूरी है, ठीक है। यहां फोकस, यहां डायरेक्ट्रिक्स इस पैराबोला में मिलेगी, इसका यहां फोकस, यहां डायरेक्ट्रिक्स, इसका यहां फोकस, यहां डायरेक्ट्रिक्स, और इसका देखोगे आप, इस वाले पैराबोला का अगर आप देखोगे तो यार अगर इसको खिंचा दें अगर नीचे
तो इसका यहाँ पे फोकस और यहाँ पे होगा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ठीक है। इस पैराबोला की अगर इक्वेशन हो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, तो मैं कहता हूँ इसका फोकस होगा ए कोमा जीरो पे और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो होगी। इसका फोकस होगा ए कोमा जीरो पे, उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस ए, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पैराबोला हो जाए तो क्या सीन होगा भाई, है ना, ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए क्या है, पॉजिटिव है जी, ए को पॉजिटिव लीजिए आप, तो इसका फोकस हो जाएगा माइनस ए कोमा जीरो पे, कहाँ पे हो जाएगा, माइनस ए कोमा जीरो पे, है ना, फोकस तो माइनस ए कोमा जीरो पे हो गया और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो हो गई। पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स हो गई, ठीक है, ए मैंने पॉजिटिव लिया है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको। तो यार देखो यहाँ पलटोगे तो फोकस हो जाए, डायरेक्ट्रिक्स पलट जाएंगी, ठीक है, और बस ए जो है वो यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा, ठीक है जी, करेक्ट है। इस वाले पैराबोला की इक्वेशन देखिए क्या होगी, आपको बता दूं जब पैराबोला, ये जो दोनों पैराबोला है ना इनको हॉरिजॉन्टल पैराबोला बोलते हैं, ठीक है ना, जो वन और टू में जो पैराबोला लिखे हैं दोस्तों इनको हॉरिजॉन्टल पैराबोला बोलते हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, ये भी हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, ठीक है, यहां पे बात समझे, है ना, ये दोनों हॉरिजॉन्टल पैराबोला है और ये दोनों पैराबोला को देखिए, ये वर्टिकल पैराबोला है, ठीक है, ये वर्टिकल पैराबोला है और ये वाला पैराबोला भी वर्टिकल पैराबोला है, ये भी कैसा पैराबोला है, ये भी यार वर्टिकल पैराबोला है, राइट। आपको मैं बता दूं हॉरिजॉन्टल पैराबोला वो पैराबोला होता है जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल हो, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल है, इसकी भी आप देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला वो होता है जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल हो, और जो वर्टिकल पैराबोला वो होता है जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्टिकल हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो, वर्टिकल हो, करेक्ट है। आई होप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैराबोला में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब यार देखिए कई बार क्या होता है, चीज़ों को हम ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हैं, है ना, चीज़ों को यार हम ऑब्जर्वेशन से इंटरप्रिटेशन से सीखा जा सकता है, तो यहाँ पर भी खेल कुछ वैसा ही करते हैं। अगर मान लो हमारा पैराबोला कुछ यूं है तो आप यहाँ पे देखिए एक y वाले टर्म पे तो स्क्वायर है और x वाले टर्म पे पावर 1 है, तो पैराबोला अगर यू होगा ना, पैराबोला अगर यू होगा तो x वाली टर्म पे तो स्क्वायर आ जाएगा और y वाली टर्म ऐसे हो जाएगी 4ay, सीधी बात है भाई, है ना, एकदम जायज बात है। तो ये पैराबोला हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, है ना, यहाँ पे देखो ए और ए में कन्फ्यूज नहीं होना है, तो इसको मैं बी लिख देता हूँ, 4by भी लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये 0, b होगा और ये वाली लाइन क्या होगी, ये होगी y प्लस बी इक्वल टू 0, करेक्ट है, और है ना b यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, b यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर मैं b को अगर मैं यहाँ पे इस पैराबोला को देखूं तो इसका जो फोकस है 0, b पे चला जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स y माइनस बी इक्वल टू 0 होगी और इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4by हो जाएगी, है ना, b को पॉजिटिव रखा है मैंने, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे इस प्रकार के चार जो पैराबोलाज हैं यार, इनको देख के इनकी समझ होनी चाहिए और इनकी इक्वेशंस लिखना आना चाहिए, इनके फोकस और इनके डायरेक्ट्रिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। आप देख लीजिए आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इसकी इक्वेशन होती है, इसकी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, इसकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by और इसकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4by, ठीक है। ये चार प्यारे पैराबोला, चार प्यारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, चार प्यारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब पैराबोला से रिलेटेड मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स समझा देता हूं रिलेटेड टू पैराबोला इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला। देखिए सबसे पहले ये बना दी एक लाइन, ठीक है, है ना, ये बना दी दूसरी लाइन, ठीक है, ये हमारी है, ये हमारा पैराबोला है, ठीक है, ये क्या है, x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस हो गई,
राइट। तो ये पैराबोला हो गया हमारा, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं, करेक्ट है। ये पैराबोला यार वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स ले लो, राइट, ठीक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होती है यार, इसमें समझना क्या है, मालूम ही अपने को, है ना। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैराबोला, ठीक है। जो पैराबोला की एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है उसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो सबसे पहले तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला पैराबोला को इस पॉइंट पे कट करती है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं वर्टेक्स, ये होता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। आप ध्यान से देखें, इस लाइन को अगर देखेंगे, ये लाइन पैराबोला पे टेंजेंट है वर्टेक्स के ऊपर। ये एक बड़ी स्पेशल लाइन होती है, बड़े सारे यूज हैं इस लाइन के, आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पैराबोला पे टेंजेंट कैसे होती है, देखो यूं करके इस प्रकार की लाइंस को बोलते हैं टेंजेंट पैराबोला के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे इस लाइन को भी आप देखोगे तो ये 0,0 पे है ना, वर्टेक्स पे टेंजेंट है, इसको बोलेंगे दिस इज अ लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला एट वर्टेक्स, टेंजेंट टू द पैराबोला एट वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स के ऊपर टेंजेंट है ये, दिस लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला एट वर्टेक्स, ठीक है ना। बाकी डायरेक्ट्रिक्स और फोकल कोड का तो गेम हो ही गया, ठीक है। देखिए ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने कई सारी बातें बताई है ना, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं भाई, एक ही डायग्राम में होच पोच नहीं करूंगा मैं, है ना। टर्म्स एकदम सारी क्लियर होनी चाहिए, होच पोच मैं नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे अपन, मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट ही नीट और क्लीन रहने का है, ठीक है। तो यहां पे देखिए यार, ये देखिए डायरेक्ट्रिक्स है, डॉटेड लाइन बना देता हूं मैं, ठीक है, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, राइट। और ये है यार फोकस, ठीक है, ए कोमा जीरो। आपको बता दूं कि फोकस से कोई भी कोर्ड पास होती है उसको फोकल कोर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फोकल कोर्ड, ठीक है। जैसे फोकस से, ये फोकस है ना, तो फोकस से पास होने वाले जैसे ये कोर्ड है इसको तो बोलेंगे फोकल कोर्ड, और जैसे ये एक नॉर्मल लाइन है इसको बोलेंगे एक वैसे ही कोर्ड, ठीक है ना, इसको बोलेंगे कोर्ड ऑफ पैराबोला। ये क्या है, ये है कोर्ड ऑफ पैराबोला, दिस इज कोर्ड ऑफ पैराबोला, और ये जो है ये है फोकल कोर्ड, दिस इज फोकल कोर्ड ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला की फोकल कोर्ड है, ठीक है। फोकल कोर्ड वो होती है जो फोकस से पास करे, ठीक है। यहां पे ये फोकल कोर्ड है, ये भी फोकल कोर्ड है, ये सारी फोकल कोर्ड है पैराबोला की। समझ में आ गई ना बात, फोकल कोर्ड समझ में आ गई, फोकल कोर्ड क्या होती है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट टर्म्स में नेक्स्ट देखते हैं, है ना। दो टर्म्स जो है ना और हैं, बड़ी मस्त हैं, समझनी जरूरी है। देखिए जी, बना लेते हैं पैराबोला को, बार बार पैराबोला बनाना पड़ेगा, बार बार बनाऊंगा। यहां पे है फोकस, फोकस करो भाई, यहां पे है फोकस, ऐसी कोर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है, ये हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला है। आप ध्यान से देखिए, ये जो कोर्ड है, ये वाली, यहां देखिए ये वाली कोर्ड, यहां देखिए ये वाली कोर्ड, यहां फोकस से पास भी करवा देते हैं, ये देखिए, ठीक है। जो कोर्ड पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उन कोर्ड्स का एक स्पेशल नेम है, उनको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट्स। चाहे आप इसकी बात कर लीजिए, या फिर आप इसकी बात कर लीजिए, ये जो चारों की चारों कोर्ड्स हैं इनको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला, ठीक है। एक डबल ऑर्डिनेट बड़ा स्पेशल है, अगर आप ध्यान से देखें, एक डबल ऑर्डिनेट बड़ा स्पेशल है जो फोकस से पास करता है
ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। घबराना मत इस शब्द को सुन के, ठीक है ना, है ना, है किसी लैंग्वेज का शब्द, अपने को क्या लेना देना उससे, है ना, लेना देना है कि नहीं है, लेना देना तो है यार। लेटस रेक्टम, ठीक है। ऐसी फोकल कोड, ये फोकस है ना, ये जो है ना, ये ऐसी फोकल कोड है जो डबल ऑर्डिनेट भी है। ये बात समझनी, दो बिहेवियर है इसके, फोकल कोड भी है डबल ऑर्डिनेट भी है। ऐसी फोकल कोड जो डबल ऑर्डिनेट भी हो इसको यूं भी बोल सकते हैं, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकल कोड भी हो उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, ठीक है, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का जो लेटस रेक्टम क्या होता है बता दूं दोस्तों, है ना, इट इज अ डबल ऑर्डिनेट विच इज ऑल्सो द फोकल कोड, ठीक है। ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकल कोड भी हो उसको बोलेंगे अपन लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, ठीक है। पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम हो गया ये, ठीक है। एक डायग्राम और बना देता हूं यार, मैं कुछ चीजें उसमें समझ लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कहानी आपको समझ में आ गई मुझे लगता है, ठीक है ना, टर्मिनोलॉजी जो है वो एकदम क्लियर है, राइट। ये फोकस है यार अपना, क्या है, अपना फोकस, ठीक है। आपको बता दूं कि है ना, पैराबोला में किसी बिंदु पे है ना, अगर कोई लाइन यू छू करके चली जाए, है ना, डिटेल में तो मैं है ना बात मतलब टेंजेंट जो है कर सकते हैं अपन, यहाँ पे देखिए पैराबोला को ये लाइन बिल्कुल छू के चली गई है ना, एक पॉइंट पे यहाँ पे टच करके चली गई, ठीक है, ये हो गई यार टेंजेंट, इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होती है पैराबोला की, ठीक है, नॉर्मल क्या होती है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर टेंजेंट के परपेंडिकुलर बना दो आप ऐसे करके, ये बन गई आपकी नॉर्मल, क्या बन गई ये हो गई नॉर्मल, ठीक है ना। नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। अच्छा, लेटस रेक्टम आपको बता चुका हूं, है ना, लेटस रेक्टम बता चुका हूं कि यार फोकस से पास होने वाला डबल ऑर्डिनेट ये लेटस रेक्टम है ना, एक्सिस के 90 पे बना दो आप, 90 डिग्री पे बना दो आप, है ना, फोकल कोड, ठीक है, वो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी। आपको बता दूं कि ये जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक की, ये जो लेंथ है, ठीक है, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्या है ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट, अरे दिख रहा है क्या भाई, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को यार ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है जी, है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम समझ में आ गया, लेटस रेक्टम समझ में आ गया, टेंजेंट नॉर्मल समझ में आ गया। यार देखिए सारी टर्म्स को मैंने जो है ना परफेक्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको, है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये पैराबोला की, इनमें किसी प्रकार का कोई लोचा लफड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चले, राइट, आई होप यहाँ तक पैराबोला के सफ़र में आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं हुई होगी, ठीक है। आपको बता दूँ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालते हैं पैराबोला का, ठीक है, एक चीज़ देख लीजिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसका, पैराबोला का, है ना, इलिप्स का भी लेटेस्ट रेक्टम होता है ना, आपको बता दूं इलिप्स का भी लेटेस्ट रेक्टम होता है, हाइपरबोला का भी लेटेस्ट रेक्टम होता है। ये जो पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, ये तीनों भाई भाई हैं यार, ठीक है, है ना। पैराबोला है ना जिस तरीके से डिफाइन किया गया है ना, अंदाज कुछ वैसा ही है इलिप्स और हाइपरबोला को डिफाइन करने का भी, जैसे इसेंट्रिसिटी पैराबोला में भी होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इलिप्स और हाइपरबोला में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसेंट्रिसिटी, है ना। पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होती है, इलिप्स की 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी 1 से छोटी, हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है ना,
मेरे बड़े प्यारे कर्व हैं, मुझको बड़े पसंद हैं पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस जो होती हैं यार, उनका ग्राफ ही पैराबोला होता है, तो क्वाड्रेटिक भी इंपॉर्टेंट, पैराबोला भी इंपॉर्टेंट। ये तो एक चैप्टर अच्छा होता है तो दो अच्छे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहे हैं अपन। ये है एक्स एक्सिस, राइट, ये है वाई एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ओरिजिन, राइट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ध्यान से सुनना, पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या चीज है ना, चीज तो बहुत बड़ी है लेटेस्ट रेक्टम। फोकस है ए कोमा जीरो, फोकस से पास होने वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है इसको लेटेस्ट रेक्टम बोलेंगे। मैं चाहता हूं कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकल जाए भैया, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकल जाए। तो मैं चाहता हूं कि इन दो पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस, दूरी निकल जाए तो मजा आ जाए। ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स की वैल्यू ए है, क्या है, एक्स की वैल्यू ए है यहां पे, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ए है। तो मैं तो कहता हूं इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, वर्टिकल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है, इस बिंदु का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या रहे, ए रहे। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है अपने को, तो पैराबोला के ऊपर है ना पॉइंट, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है, अगर इसमें मैं पुट कर दूं एक्स इक्वल टू ए, तो वाई कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, एक्स इक्वल टू ए आप पुट कीजिए तो फोर ए स्क्वायर हो गया। y की दो वैल्यू मिली, एक तो 2a मिली, एक वैल्यू मिली माइनस 2a, है ना। y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर का मतलब है y का प्लस माइनस 2a होना, y की वैल्यू एक 2a है और एक क्या है, माइनस 2a है। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट एक 2a मिल गया, एक माइनस 2a मिल गया। ठीक है, अब मुझको बताएं कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकालना हो, तो देखो y कोऑर्डिनेट 2a है तो ये लेंथ 2a हो गई, और ये भी 2a, डिस्टेंस तो यार देखो पॉजिटिव लेना है, 2a 2a 4a हो गया, है ना। ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई 4a। ठीक है, तो बता दूं आपको जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ना, ऐसे करके डिनोट कर सकते हो आप, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गई 4a, एकदम शानदार। फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गई, 4a। और ये जो 4a है ना बच्चे, ये जो 4a है, इस 4a में ये जो a है हमारा, a को देख रहे हो आप, इस a का कोई मीनिंग पूछे तो a क्या है, फोकस और वर्टेक्स के बीच की दूरी को a बोला जाता है ना, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस देखोगे वो होता है a। ठीक है, a इज द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, इसको अगर महसूस करें, a इज द डिस्टेंस बिटवीन, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। ठीक है जी, ए फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है, करेक्ट है। एक और इंटरेस्टिंग बात देखते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी आई है, 4a, मतलब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में ये जो 4a आया, अरे यही आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो कितनी खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है। ठीक है ना, y square equal to 4x में ये वाला जो 4a है ना यार, ये क्या आ गया है, length of latest rectum आ गया है। तो कुल मिला करके मैं तो ये कहता हूं आपको कि कोई अगर हमको पैराबोला दे देना y square equal to 4ax, तो उसको बोलो भैया ये जो चीज है ना, ये चीज खुद है length of latest rectum, आह मजा आ गया। length of latest rectum, ये चीज क्या है, ये है यार length of latest rectum, करेक्ट है जी। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, अगर कोई पैराबोला ये लिख दे, वर्टिकल पैराबोला लिख दे ऐसे करके, तो उसको बोल दो यार ये क्वांटिटी जो है ना, ये है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम।
समझ में आ रही बात, एकदम भन्नाट तरीके समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यार मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कंसिडर द पैराबोला, कंसिडर द पैराबोला, एक पैराबोला लीजिए, दो क्या, मैं ज़्यादा पूछूंगा क्वेश्चन तुमसे, है ना, मेरा मूड बदल गया अभी, पहले मेरा मूड दो क्वेश्चन पूछने का था, अब चार पूछूंगा, ठीक है, माइंड मत करना। कंसिडर द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई, है ना, देन फाइंड पहला सवाल फोकस, सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फोर्थ क्वेश्चन है लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू 1.2, 1.2 से पास होने वाले डबल ऑर्डिनेट की लेंथ बताएं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सेशन को पॉज करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और कमेंट करके बताएं कि क्या है चारों के आंसर्स, ठीक है। और देखिए मैं ही बताता हूँ यार, फिर मैं सोल्व करूँगा ना मेरे सोल्यूशन को देख करके, फिर देखिए आपके कमेंट जादुई थे कि नहीं थे, है ना यार, जरूर करें कमेंट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो खुद ट्राई करने का बनता है, अगर पूरा लेक्चर आप एकदम शिद्दत से ईमानदारी से देख रहे हो। और यार देखो, ये अगर मान लो नहीं तुमने अगर सॉल्व किया, अटेम्प्ट किया, तो यार मज़ा नहीं आएगा, हो ना हो कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए जी डायग्राम बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये ले ली वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है, राइट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, यार पैराबोला बनेगा ऐसा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, ठीक है, नाम लिख देता हूं भैया का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई। फोकस कहां पे होगा इसका, ए कितना है, इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई से, तो बी कितना है, ए बी कुछ ही बोल लो, है ना, कितना है 1, तो इसका फोकस 0.1 पे है, ठीक है, इसका जो फोकस है वो कहां पे, 0.1 पे है, राइट। तो यहां है इसका फोकस 0.1 पे। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स इसकी हो जाएगी y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो बता दूं आपको, फोकस निकल गया है जी 0.1 पे, डायरेक्ट्रिक्स निकल गई है आपकी y प्लस 1 इक्वल टू 0 पे, ठीक है। लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट बता दीजिए, क्या बोल दिया मैंने, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पहले बताइए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो x होगी, क्या होगी, 4 होगी, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, 4 होगी, है ना, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है, अभी बताया था 4 हो गई, ठीक है। 1.2 से पास होने वाली डबल ऑर्डिनेट, तो 1.2 पॉइंट यहाँ मिलेगा कहीं पे, 1.2 पॉइंट यहाँ मिलेगा, है ना, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो 2 तो और ऊपर मिलेगा, तो 1.2 से पास होने वाली, इसने कहा लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट बता दीजिए पासिंग थ्रू 1.2, तो 1.2 से डबल ऑर्डिनेट जो पास होती है वो क्या होगी, वो यार ऐसी होगी यूं करके, है ना, 1.2 से पास होने वाली डबल ऑर्डिनेट कुछ ऐसी होगी, सबसे पहले तो ये बात समझनी है, करेक्ट है, तो इसकी लेंथ बतानी है। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे देखें तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो मालूम है 2, एक्स कोऑर्डिनेट मालूम करना है, इसका भी देखिए वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है ना, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, ठीक है। तो अगर वाई की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की वैल्यू अगर 2 रखेंगे, तो एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 2√2 और एक आ गया -2√2, तो एक्स की वैल्यू -2√2 तो यार इस पॉइंट के लिए है, और +2√2 इस पॉइंट के लिए है, तो ये लेंथ 2√2 आ गई, और ये लेंथ 2√2 4√2 हो गई, तो लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू 1.2 ये कितनी हो गई, ये हो गई 4√2, करेक्ट है। तो चारों के चारों मैंने आंसर कर दिए, चारों क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए, ठीक है, है ना, आई होप एकदम भन्नाट तरीके से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। एक बात और बता दूं आपको, है ना,
इस सेशन में एक बात और जान लीजिए आप, क्या जान लीजिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप जान लीजिए पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है ना। पैरामीटर के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं है ना, बता चुका हूं कि पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, तो वापस से मुझे लगता नहीं कि बोलना चाहिए, वैसे तो बोल भी दूंगा बट बता ही चुका हूं तुमको। पैरामीटर मतलब क्या होता है, बिचौलिया होता है, ठीक है। एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन ना हो करके, अगर एक्स की रिलेशन किसी टी से हो, टी की रिलेशन वाई से हो, ठीक है, तो घूम के रिलेशन हो, किसी तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल करके एक्स और वाई में रिलेशन लिखी हो, तो उस तीसरे वेरिएबल को पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है, इसी बात को लिखने का एक अलग ढंग भी है। देखिए, इसी को अगर मैं यू लिख दूं, एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर और वाई इक्वल टू टू ए टी, मुझे बताएं लिख सकता हूं क्या? पहले तो मुझे बताएं, बात बिल्कुल सेम है, यूं लिख दो या यूं लिख दो, बात एक ही है। पहले तो बताएं बात एक ही है क्या? x बोल रहा हूं ए टी स्क्वायर, एक्स की जगह देखो ए टी स्क्वायर लिख के देखो, आप x की जगह ए टी स्क्वायर लिख के देखो और y की जगह 280 लिख के देखो एक बार, आप y की जगह 280 लिख के देखो, देखो बराबर आ रहे हैं क्या? 4a स्क्वायर ए टी स्क्वायर 4a, यार बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं भाई। इसका मतलब x को ए टी स्क्वायर, y को 280 लिखा जा सकता है। आपको बता दूं कि ये जो इक्वेशन लिखी है, ये जो इक्वेशन लिखी है, ये x और y में डायरेक्ट इक्वेशन लिखी है, ठीक है, और ये x और y में इनडायरेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। यहां से जो इंफॉर्मेशन मिलती है और यहां से जो इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन तो सेम है, लिखने का तरीका, तौर तरीका अलग है। तो आपको बता दूं, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, लिख दूं इस बात को मैं, ठीक है, इस बात को मैं लिख भी देता हूं, दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, दिस इज द पैरामेट्रिक, है ना, देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ, दिख रहा है तुम लोगों को एकदम परफेक्टली, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये कौन से पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन है? y स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें पैरामीटर कौन सा है, थर्ड पार्टी कौन है, t यहाँ पे बिचौलिया है, कौन है, पैरामीटर है, t क्या है, रियल पैरामीटर है। t की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओ, t की वैल्यू ए कुछ वन पुट करोगे एक्स वाई एक मिल जाएगा, पैराबोला पे लाई करेगा, टी की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओ, अलग अलग एक्स वाई का पेयर आता चला जाएगा, वो एक्स को मा वाई पैराबोला पे मिलेगा आपको, ठीक है। एक और बात बता दूं आपको, है ना, छोटी छोटी बातों से मिलके ही पूरा यार ये चैप्टर बना हुआ है, छोटी छोटी बातें जो है ना, मैंने देखा है लोग बड़े कन्फ्यूज रहते हैं, है ना, तो सारी बातें मेंशन करके चलता हूँ मैं इसलिए, ताकि परेशानी ना हो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा है मान लो पैराबोला, ठीक है, कौन सा पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ठीक है। तो है ना, कोई भी जो पॉइंट पी है ना, उसका एक पैरामीटर टी जरूर होगा। जैसे टी की वैल्यू वन रखूंगा तो एक पॉइंट मिल जाएगा, टी की वैल्यू टू रखूंगा, थ्री रखूंगा, फोर रखूंगा, मतलब अलग अलग टी पे अलग अलग पॉइंट आते चले जाएंगे। तो टी की वैल्यू टी वन पे कोई पॉइंट आएगा ना, उस पॉइंट को पी टी वन बोलते हैं। टी की वैल्यू टी टू पे कोई पॉइंट आएगा, उसको पी टी टू बोलते हैं। टी की वैल्यू टी थ्री पे कोई पॉइंट आएगा, उसको पी टी थ्री बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए पी टी वन, पी टी टू, पी टी थ्री का मीनिंग क्या है। पी टी वन का मीनिंग है कि टी की वैल्यू आपने कितनी रख दी, टी वन रख दी। टी की वैल्यू जब टी वन रखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट ए टी वन स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट टू ए टी वन आ गया। तो ए टी वन स्क्वायर कोमा टू ए टी वन, इसको बोलते हैं पी टी वन, और ए टी टू स्क्वायर कोमा टू ए टी टू, इसको बोलते हैं पी टी टू, ठीक है, और ए टी थ्री स्क्वायर कोमा टू ए टी थ्री, इसको बोलते हैं पी टी थ्री, ठीक है यार। तो पी टी वन, पी टी टू, पी टी थ्री, यार इस प्रकार से तीन पॉइंट्स आप ले सकते हो, ठीक है जी, है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन का एक आइडिया लग गया, क्या लग गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन समझ में आ गई। अब मुझे बता दो, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स पैराबोला हो, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखें यार? बड़ा इजी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दो
माइनस ए टी स्क्वायर, तो वाई मिल जाएगा तुमको 280। तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ये हो गई यार, ठीक है। पैराबोला अगर मिल जाए आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो यहाँ पे जो एक्स माइनस ए टी स्क्वायर डाल रहे थे, अब वाई को डाल दो, वाई को डाल दो बी टी स्क्वायर, तो एक्स कितना हो जाएगा 2bt हो जाएगा, करेक्ट है। तो इस वाले पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन भी लिखनी आ गई, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4by हो तो y इक्वल टू माइनस bt स्क्वायर और x इक्वल टू 2bt, है ना 2bt, ठीक है। तो यार ये वाले पैराबोला की इक्वेशन भी समझ में आ गई, करेक्ट है, एकदम परफेक्ट। चलिए बहुत ही शानदार। तो यार ये लेक्चर था, इस लेक्चर में अपन ने क्या क्या कवर किया बता दूं आपको, इस लेक्चर में अपन ने कवर किया ऑल बेसिक्स ऑफ पैराबोला, सारे पैराबोला के बेसिक्स आपने कवर कर लिए हैं, विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्कूल एंड बेसिक लेवल, ठीक है ना, स्कूल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जितने बेसिक्स की जरूरत थी वो सारे कर लिए, ठीक है। जेई का सारा पोर्शन नहीं करवाया मैंने अभी, बेसिक कवर हो गया, एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में देखिए बेसिक कवर हो गया है पैराबोला का, ठीक है, है ना। तो आपको एक समझ डेवलप हो जाएगी, पहले समझ को डेवलप कीजिए, फिर इलिप्स करेंगे, इलिप्स का सारा ऐसे ही सारे बेसिक कवर करेंगे, हाइपरबोला के सारे बेसिक कवर करेंगे, यूं करते हुए एक बार कोर्स के सारे फंडामेंटल्स, है ना, स्कूल लेवल कम से कम थोड़ा हायर लेवल, ठीक है, वो कम से कम सारा वाइंड अप करेंगे इन चैप्टर्स का, ठीक है ना। टाइमलाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, टाइम से के साथ कोई चीज़ की जाए उसका बेनिफिट भी जो है ना उतना अच्छा होता है। टाइम अगर मतलब यही चीज़ अगर अपन अप्रैल में करेंगे, मार्च के बाद करेंगे, मार्च में करेंगे, तो यार फिर ट्वेल्थ कब करेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेसिक्स एक बार कवर कर लें, एडवांस सेशन एक बार कोर्स के बाद आपको जो है देता रहूँगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि ये हो गया हमारा बेसिक एंड, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या बचा क्या नहीं बचा, मैंने सारी बातें बता दी आपको, ठीक है जी। तो चलिए मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। यार मुस्कुराना जरूरी है ना, ताकत देता है मुस्कुराहट, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नहीं मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।